अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको देते हैं। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब से थोड़ी देर में ही बस शुरू होने वाली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में अमित शाह ने 2019 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया है। सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि अमित शाह ने पार्टी के नेताओं से यह भी कहा कि 2019 में यानी अगले साल 2014 के मुकाबले पार्टी ज्यादा बहुमत से जीत दर्ज करेगी और इसके लिए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा तेलंगाना पर भी खास ध्यान देना होगा। भूले नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी सत्ता में वापसी करने की कोशिश में है। अमित शाह ने कहा कि पार्टी के पास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मौजूद हैं और सरकार की उपलब्धियां ऐसी हैं जैसी पिछले 70 साल में किसी सरकार की नहीं रही। संगठन के लोग सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने का काम करें, यह भी बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने कहा। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार का। रविंद्र, क्या कुछ बड़ी बातें कही गई? जाहिर तौर पर कहा गया 2014 से बड़ी जीत के साथ 2019 में वापसी करेगी पार्टी। देखिए 2019 में वापसी ही नहीं करेगी बल्कि प्रचंड बहुमत से, यानी जो बहुमत अभी मिला था 2014 में उससे भी ज्यादा बहुमत से मोदी सरकार वापस आएगी, ये एक तरह से उम्मीद जताई है पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने। लेकिन इसके लिए पूरी रणनीति भी बनाई गई है। अदिति, मैं बता दूं कि 30 करोड़ मतदाताओं पास सीधे पहुंचेगी बीजेपी, 22 करोड़ जिसमें से केवल वही लोग हैं जो लाभार्थी हैं मोदी सरकार के कई योजनाओं के लाभार्थी, 22 करोड़ करीब मतदाता हैं, उनके पास तो पहुंचेगी पहुंचेगी, इसके अलावा 8 करोड़ और लोगों पास, और कैसे पहुंचेगी उसकी भी पुख्ता रणनीति बनाई गई है। यानी उसके लिए कॉल सेंटर न सिर्फ राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर बल्कि ब्लॉक स्तर पर पहुंचाया जाएगा, बनाया भी जाएगा और लोगों तक पहुंचा भी जाएगा। एक मैसिव कैंपेन भी किया जाएगा, मैसिव एक रणनीति बनाई जा रही है। 30 करोड़ मतदाताओं तक बीजेपी सीधे पहुंचे, सीधे उन तक बात करे कि मोदी सरकार ने क्या क्या किया है और क्या क्या करने वाली है आगे आने वाली सरकारों में। और इसके अलावा मैं बता दूं कि इन सब कवायद के बीच में एक और बड़ी खबर यही आ रही है सूत्रों के अनुसार कि अगले एक साल तक संगठन का कोई भी चुनाव नहीं होगा। यानी जो पदाधिकारी अभी मौजूदा संगठन में है, चाहे राज्य स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो, केंद्रीय स्तर पर हो, ये सब अगले लोकसभा चुनाव तक रहेंगे। यानी एक बड़ा कैंपेन भी होगा, रणनीति बनाई गई है, बूथ स्तर तक मजबूत तो करने की कवायद खुद अमित शाह अपनी निगरानी में कर ही रहे हैं, लेकिन 30 करोड़ मतदाताओं तक कैसे पहुंचा जाए इसका भी एक खुलासा हुआ है और इसकी भी रणनीति बनाई जा रही है पार्टी द्वारा। तो कहीं ना कहीं 2014 से बड़ा मैंडेट और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 3 राज्यों में, जैसा कि आपने भी बताया कि तेलंगाना पर खास ध्यान खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी रखेंगे। इसके अलावा अब जब कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली है थोड़ी देर बाद, उसमें जो राजनीतिक प्रस्ताव होंगे उसमें जो हमें जानकारी मिली कि राफेल डील पर कांग्रेस को बुरी तरह से घेरा जाएगा, जिस तरह से अदिति प्रेजेंटेशन हुआ था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में, उसी तरह का प्रेजेंटेशन भी हो सकता है कि दिया जाए कार्यकारिणी के सदस्यों को कि राफेल डील पर जो कांग्रेस कर रही है वो नहीं है, जो हकीकत है जो सरकार कर रही है वही है कि पूरी तरह से पारदर्शी डील है और इसमें किसी तरह का कोई घपला नहीं, कोई स्कैम नहीं है। यानी राफेल को लेकर बड़ा कैंपेन भी चलाया जाएगा। इसके अलावा जो SC ST और ट्रेडिशनल वोट है बीजेपी का वो पार्टी से न हटे, उसकी भी कवायद की जाएगी इसमें। रविंद्र, शुक्रिया फिलहाल आप।